गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं अर्चना सिंह आप लोगों का आज की करंट अफेयर्स में वेलकम करती हूँ। तो 17 और 18 जुलाई की करंट अफेयर्स के साथ मैं आपके सामने लेकर आई हूँ देश और दुनिया में क्या नया हुआ, क्या इकोनॉमिक्स में नया हुआ, क्या स्पोर्ट्स में नया हुआ। तो इसके साथ ही मेंस की सीरीज़ भी हमारे चैनल पर चल रही है, प्लस बीईओ एग्ज़ाम के लिए 30-डे क्रैश कोर्स चलाया जा रहा है जिसमें एमसीक्यूज के साथ साथ हम लोग जो नॉर्मल एमसीक्यू हैं हिस्ट्री से विद ज्योग्राफी पॉलिटी उसके साथ यूपी स्पेशल और मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन भी करेंगे। और बीईओ के लिए करंट अफेयर की अलग से भी सीरीज़ लेकर आऊँगी और डेली मेंस की एक वीडियो शाम को 5 बजे अपलोड होती है, तो उसको देखना बिल्कुल मत भूलिएगा जो लोग मेंस की तैयारी कर रही हैं। तो चलिए आज के क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में बीसीसीआई ने अपना अंतरिम सीईओ किसे बनाया है। तो इन्होंने ये बनाया है हेमांग अमीन को, बीसीसीआई ने अपना अंतरिम सीईओ बनाया है हेमांग अमीन को। ये राहुल जौहरी का स्थान लेंगे जिन्होंने हाल ही में बीसीसीआई के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद से इस्तीफा दे दिया था। भारत में क्रिकेट मैच को जो रेगुलेट करता है उसी को कहा जाता है बीसीसीआई, जिसका फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड। अब इसकी पूरी डिटेल एक बार देख लेते हैं क्योंकि प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉर्मली जीके के क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो करंट के साथ साथ हम लोग यहाँ जीके के क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। स्थापना हुई थी 1928 में, इसका मुख्यालय मुंबई में है, इसके प्रेजेंट जो अध्यक्ष हैं वो सौरभ गांगुली हैं, सीईओ बन गए हैं हेमांग अमीन और इसके उपाध्यक्ष हैं महिम वर्मा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रेलवे ने पहली बार किस देश को सूखी मिर्च का परिवहन किया है। तो ये फर्स्ट टाइम किया है इसीलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ये किया है बांग्लादेश को। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में ये सूखी मिर्च भेजी गई है, आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले से भेजी गई है ये सूखी मिर्च बांग्लादेश में। अब बांग्लादेश की अगर बात करें तो इसकी राजधानी ढाका है, मुद्रा है टका, प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, राष्ट्रपति हैं अब्दुल हामिद। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है और बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा बनाती है जिसकी लंबाई है 4096 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने हांगकांग के साथ प्रत्यार्पण संधि खत्म करने की घोषणा की है। तो ये की है ऑस्ट्रेलिया के। हांगकांग में चीन के विवादास्पद राष्ट्रीय सुरक्षा के विरोध में ऑस्ट्रेलिया ने ये कदम उठाया है। अब ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा, मुद्रा है डॉलर और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं स्कॉट मॉरिसन। हाल ही में किस वर्ष तक भारतीय रेलवे 100% स्वच्छ ऊर्जा पर चलने वाला विश्व का पहला ग्रीन रेलवे हो जाएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको बिल्कुल मत भूलिएगा। तो ये हो जाएगा 2030 तक। भारतीय रेलवे दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे होगा जिसमें डीजल की जगह 100% विद्युतीकरण का प्रयोग होगा। अब भारतीय रेलवे की बात करते हैं तो इसकी स्थापना हुई थी 16 अप्रैल 1883 को, इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में, रेल के मंत्री हैं पीयूष गोयल और रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हैं विनोद कुमार यादव। अगर हम RPFS निदेशक की बात करें तो ये हैं अरुण कुमार और स्वतंत्र भारत के पहले जो रेल मंत्री थे वो थे जॉन मथाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अमेरिका ने किस देश की अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइंस को देश में चार्टर उड़ानों के संचालन पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो ये लगाया है पाकिस्तान के। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान है एशिया महाद्वीप में स्थित, इसकी राजधानी इस्लामाबाद है, मुद्रा है पाकिस्तानी रुपया। इस समय करंट प्रधानमंत्री हैं इमरान खान, राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी और भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को रेडक्लिफ रेखा कहा जाता है। अमेरिका की अगर यहाँ बात करते हैं तो अमेरिका अमेरिकी उपमहाद्वीप में स्थित है और राजधानी इसकी वाशिंगटन है, वाशिंगटन DC, मुद्रा अमेरिकी डॉलर है और इसके इस समय प्रेजेंट जो इसके राष्ट्रपति हैं वो है डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम NASA है जिसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है और अमेरिका की संसद को कांग्रेस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स के वॉन कर्मन पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो ये चुने गए हैं हमारे K. शिवन जो कि इसरो के अध्यक्ष हैं प्रेजेंट में।
वॉन कर्मन पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1982 में और इसरो भारत की स्पेस एजेंसी का नाम है जिसके फुल फॉर्म में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन मतलब भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जिसका मुख्यालय बेंगलोर कर्नाटक में है। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। इसके संस्थापक हैं विक्रम साराभाई और अध्यक्ष हैं के सिवन। इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉट्स इसका मुख्यालय पेरिस में है और पेरिस फ्रांस में और संस्थापक हैं थियोडोर वान कर्मन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में विधुपी नायर किस देश के भारत में अगले राजदूत नियुक्त हुए हैं? तो ये हुए हैं तुर्कमेनिस्तान के। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तुर्कमेनिस्तान ये जो नायर है वर्तमान में विदेश मंत्रालय में निदेशक के रूप में कार्यरत थे। अब तुर्कमेनिस्तान की अगर बात करते हैं तो यहाँ की राजधानी है आश्कबाद। तुर्कमेनिस्तान की मुद्रा है तुर्कमेनिस्तान मानात। राष्ट्रपति है गुरबंगुल बर्दी मुहामेदो और राष्ट्रीय खेल है तुर्कमेनिस्तान का फुटबॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व युवा कौशल दिवस वर्ल्ड यूथ स्किल डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 15 जुलाई को। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम्स के लिए। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो इस दिवस का उद्देश्य युवाओं में बेहतर आजीविका के लिए कौशल विकास के बारे में लोगों को जागरूकता बढ़ाना है और इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिलायंस जियो ने किस आईटी कंपनी के साथ मिलकर एंट्री लेवल के 5G 4G स्मार्टफोन के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने की घोषणा की है? तो ये की है गूगल के साथ मिलकर। रिलायंस जियो ने आईटी कंपनी गूगल के साथ मिलकर एंट्री लेवल के 4G 5G स्मार्टफोन के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने की घोषणा की है और दोनों कंपनियों का उद्देश्य भारत को 2G मुक्त बनाना है। साथ ही गूगल ने रिलायंस जियो में 33,737 करोड़ रुपए का निवेश किया है। चलिए आगे बात करते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी किस उर्वरक सहकारी समिति को वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान 1,005 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड शुद्ध मुनाफा हुआ है? तो ये हुआ है इफको को। दुनिया की सबसे बड़ी सहकारी जो समिति है इफको यानी इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड को वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान 1,005 करोड़ रुपए का शुद्ध मुनाफा हुआ है जबकि पिछले वर्ष 18-19 में 841.58 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेस्ट इंडीज का कौन सा खिलाड़ी आईसीसी की टेस्ट गेंदबाजी की रैंकिंग में कैरियर के सर्वश्रेष्ठ दूसरे स्थान पर पहुंच गया है? तो ये हैं जेसन होल्डर। वेस्ट इंडीज़ के जेसन होल्डर सर्वश्रेष्ठ 862 रेटिंग के साथ आईसीसी की टेस्ट गेंदबाजी की रैंकिंग में कैरियर के सबसे दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। उन्होंने हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैच की पारी में 42 रन देकर 6 विकेट ले लिए हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने 31 जुलाई तक कम्प्लीट लॉकडाउन लगाने की घोषणा की है? तो ये की है बिहार राज्य सरकार ने। बिहार ने हाल ही में 16 से 31 जुलाई तक कंप्लीट लॉकडाउन लगाने की घोषणा की है और 16 दिन के लॉकडाउन में कुछ आवश्यक चीज़ों की दुकानें ही खुलेंगी, बाकी सब बंद रहेगा। बिहार में 16 जुलाई से इमरजेंसी सेवा को छोड़कर परिवहन सेवा, शॉपिंग मॉल, धार्मिक स्थल पूरी तरह से बंद रहेंगे। भारत की किस राज्य सरकार ने हाल ही में रोको टोको अभियान की घोषणा की है? बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। तो ये की है मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने, जिसका उद्देश्य मास्क नहीं पहनने वाले लोगों पर ध्यान केंद्रित करना है और इस अभियान को चुनिंदा संगठनों द्वारा स्वेच्छा से चलाया जाएगा। आगे क्वेश्चन है, हाल ही में इफ इट ब्लीड्स नामक पुस्तक का विमोचन किया गया, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं स्टीफन किंग। इस पुस्तक को हैचेड इंडिया द्वारा प्रकाशित किया गया और इस बुक की कहानी एल्बर्ट मैकड्रिल मिडिल स्कूल के पास रखे बग पर केंद्रित है। ये उनकी सर्वश्रेष्ठ फिल्म द आउटसाइडर की अगली कड़ी है। आगे बात करते हैं, हाल ही में CAPF के राष्ट्रव्यापी वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किसने किया? तो ये किया है अमित शाह ने। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुग्राम के केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल जिसे CRPF कहते हैं, सॉरी CRPF होगा, के परिसर में पीपल के
पौधे का रोपण करके केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के राष्ट्रव्यापी वृक्षारोपण अभियान की शुभारंभ किया। हाल ही में रुद्रेंद्र टंडन को किस देश का में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? तो ये किया है अफगानिस्तान में। भारतीय विदेशी सेवा के अधिकारी रुद्रेंद्र टंडन को अफगानिस्तान में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। ये वर्तमान में जकार्ता में आसियान के लिए भारतीय दूत के रूप में सेवारत हैं। अब अफगानिस्तान की बात करते हैं तो इसकी राजधानी है काबुल, मुद्रा है अफगानी और राष्ट्रपति यहाँ के हैं अशरफ गनी अहमद जई। हाल ही में भारत का एकमात्र गोल्डन बाघ किस राज्य में देखा गया है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले एग्जाम्स के लिए, तो ये देखा गया है असम राज्य में। असम के कांजीरंगा नेशनल पार्क में गोल्डन टाइगर देखा गया है। और असम की यहाँ बात करते हैं तो असम की राजधानी है दिसपुर, मुख्यमंत्री है सर्वानंद सोनोवाल, राज्यपाल हैं जगदीश मुखी और असम उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं अजय लांबा। आगे क्वेश्चन है, हाल ही में किसे मोहन बागान रत्न से सम्मानित किया गया है? तो ये इन दोनों को किया गया है, गुरुबख्श सिंह और पलाश नंदी। हॉकी लीजेंड गुरुबख्श सिंह और पूर्व प्रथम श्रेणी क्रिकेटर पलाश नंदी को इस साल के मोहन बागान रत्न से सम्मानित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया? तो ये हैं सचिन अवस्थी। ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड को वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन ड्राइव के रूप से भी जाना जाता है और सचिन अवस्थी को ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 के लिए आयोजित एक सेमिनार में टॉप पब्लिसिस्ट का पुरस्कार दिया गया है। अगर WHD की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन ड्राइव और इसका मुख्यालय लंदन यूनाइटेड किंगडम है और संस्थापक और अध्यक्ष हैं अब्दुल बासित सैयद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गृह मंत्रालय ने अर्धसैनिक बलों के जवानों को किस ऐप के इस्तेमाल करने पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये किया है फेसबुक के इस्तेमाल पर प्रतिबंध। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो गृह मंत्रालय ने अर्धसैनिक बलों जैसे कि CRPF, ITBP, BSF, CISF और NSG के जवानों को फेसबुक ऐप का इस्तेमाल करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। साथ ही विदेशी ऐप के इस्तेमाल को भी रोकने के लिए कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस राज्य सरकार ने गौधन न्याय योजना के तहत 2 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गोबर खरीदने को मंजूरी दी है? तो ये दी है छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने। छत्तीसगढ़ ने हाल ही में गौधन न्याय योजना के तहत 2 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गोबर खरीदने को मंजूरी दी है। इस योजना की शुरुआत राज्य में हरेली पर्व से होगी और अब तक राज्य में 5,300 गौठान स्वीकृत किए जा चुके हैं। भारत के किस IIT संस्थान ने शुद्ध नामक एक अल्ट्रा वायलेट सैनिटाइजिंग उत्पाद विकसित किया है? तो ये किया है IIT कानपुर ने, जो कि UV अल्ट्रा वायलेट सैनिटाइजिंग उत्पाद होने से इसमें किसी प्रकार के केमिकल का प्रयोग नहीं किया गया है। आगे, एशियाई विकास बैंक ने हाल ही में चुनाव आयुक्त इनमें से किसको नया उपाध्यक्ष चुना है? तो ये चुना गया है अशोक लवासा को। एशियाई विकास बैंक ने हाल ही में चुनाव आयुक्त अशोक लवासा को नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। वे दिवाकर गुप्ता का स्थान लेंगे जिनका कार्यकाल 31 अगस्त को समाप्त होने वाला है। आगे, भारत में किस IIT संस्थान ने दुनिया की सबसे सस्ती कोरोना किट विकसित की है? तो ये की है दिल्ली, IIT दिल्ली ने, जिसका नाम कोरोश्योर है और इसे दिल्ली की फर्म न्यूटेक मेडिकल डिवाइस के साथ मिलकर तैयार किया गया है। इस किट की कीमत है 399 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन, 17 जुलाई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस और विश्व इमोजी दिवस दोनों मनाया जाता है 17 जुलाई को। विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्याय को बढ़ावा देना और अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के कार्य का समर्थन करना है। आध्यात्मिक गुरु पुरुषोत्तम प्रियदास जी स्वामी का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो ये थे 78 ईयर्स के।
इनके निधन पर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सबने शोक जताया है। और पुरुषोत्तम प्रियदास जी स्वामी की बात करें तो स्वामी नारायण गादी संस्थान से ये जुड़े हुए थे। तो आज की करंट अफेयर यहीं ख़त्म होते हैं। होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि जितनी भी वीडियोज़ आ रही हैं सबकी नोटिफिकेशन आप तक टाइम टू टाइम पहुँचती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग सक्सेस मंच।